वही छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम गुनार बोर्ड के शासकीय स्कूल में भोजन न्योता कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, भाजपा नेता विजय सिन्हा पहुंचे। आपको बता दें कि लोगों के बीच अपने पन की भावना विकसित करने के उद्देश्य से शासकीय स्कूलों में भोजन न्योता का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधि के साथ ग्रामीण स्कूलों के शिक्षक बच्चों को मीठा भोजन और मिठाई फल वितरित कर रहे हैं। बेमेतरा से योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्योता भोजन के नाम से माननीय मोदी जी के इच्छा के अनुरूप, केंद्र सरकार की इच्छा के अनुरूप एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। हमारे यहाँ प्राथमिक शाला गुनर बोर्ड में यह प्रोग्राम आज शुभारंभ हो रहा है। आने वाले समय में इस प्रोग्राम को और ज़्यादा अच्छे ढंग से और सभी स्कूलों में संपन्न कराया जाएगा। जिले के पहला स्कूल है जहां इसका शुभारंभ आज हमारे पूर्व विधायक अवधेश चंदेल जी, यहां के डीओ, हमारे बेमेतरा के एसडीएम सर और हमारे कार्यकर्ता यहां उपस्थित हुए और बच्चों लोगों के साथ हम लोगों ने बच्चों को फल सहित पौष्टिक भोजन यहाँ पर हम लोगों ने परोसे भी। अधिकारियों ने भी परोसा और विधायक जी ने भी, पूर्व विधायक जी भी परोसे और बच्चे लोग बहुत खुश हैं। पौष्टिक आहार बच्चों को मिले, ये उद्देश्य हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की योजना जो है बहुत ही अच्छा योजना है, लेकिन इसको धरातल में ले जाकर हमारे शिक्षकों के द्वारा अगर यह कार्य किया जाए तो निश्चित ही समाज के लोग भी जुड़ेंगे। ये मतलब शासन के निर्देशानुसार हर स्कूल में न्योता भोजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी स्कूलों में न्योता भोजन के नाम से स्कूलों में संचालित किया जाएगा। इसके लिए ग्राम के पालक लोग, जन प्रतिनिधि वगैरह हैं, ये अपने इच्छानुरूप जो भी भोजन प्रदान करते हैं बच्चों को, स्वेच्छा से प्रत्येक स्कूल मनाया जाएगा और एक पर्व के रूप में, न्योता भोजन त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाएगा।